हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द विजन क्यू यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज हम आपके सामने एक नोटिफिकेशन लेकर आए हैं, है ना। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, ये किस चीज़ का नोटिफिकेशन है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ सीईटी की, अगर मैं बात करूँ सीईटी बेसिकली है क्या, है ना। तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वट इज सीईटी, है ना, जो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा है ना, कि सीईटी की अगर मैं बात करूँ तो सीईटी बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सीईटी में बेसिकली क्या है, है ना। सीईटी में आपके तीन एग्जाम्स यहाँ पे मर्जअप करने की बात चल रही है। एक है एसएससी, दूसरा है रेलवे और तीसरा है आपका आईबीपीएस, है ना। तो स्टूडेंट, इस चीजों को हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, एक्सप्लेन पूरा मैं करूंगा, वन बाय वन आपके सारे डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। जो भी आपके डाउट होंगे वो सारे डाउट सेम प्लेटफॉर्म पे आपके क्लियर हो जाएंगे। विजन क्यू के साथ जुड़े रहें, कहीं पे भी आपको दिक्कत होगा तो हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। और कोई किसी भी तरह की क्वेरीज होगी आपकी तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में करना और मैं उसका आंसर आपको करूंगा कमेंट बॉक्स में। किसी भी तरह का क्वेश्चंस आपके मन में चल रहा होगा रिलेटेड टू द सीईटी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, फिर मैं आपको वहां से सारे क्वेश्चंस के आपके मैं आंसर क्लियर करूंगा। तो देखिए, बेसिकली जो सीईटी है क्या, है ना। तो सीईटी मैंने आपको बताया कि अब जो टेंशन आप ले रहे थे ना कि सर एसएससी के लिए अलग से पेमेंट करना है, आरआरबी के लिए अलग से पेमेंट करना है, आईबीपीएस के लिए अलग से पेमेंट करना है, नो, अब ये तीनों मिलाकर आपको एक ही जगह पे पेमेंट करना है और वो है आपका सीईटी। सीईटी इज वन ऑफ दैट प्लेटफॉर्म जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेमेंट करना होगा, एसएससी के लिए भी और आरआरबी के लिए और आईबीपीएस के लिए, और तीनों के लिए, तीनों में एंटर करने के लिए बस और बस एक ही रास्ता है और वो है आपका सीईटी। अब देखिए, मैं यहां पे आपकी सारी चीजें, सारी डाउट्स मैं आपको क्लियर करूंगा, क्या क्या चीजें, वन बाय वन। अब इसको, इसके लिए क्या हुआ कि एक एजेंसी बनाई गई, उस एजेंसी का नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसको हम लोग एनआरए बोलते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बेसिकली इसको अप्रूव्ड करने वाले पर्सन है नरेंद्र मोदी। अब आप यहां पे देख सकते हो कि नरेंद्र मोदी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, है ना। नरेंद्र मोदी की मैं बात करूं तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपका वाराणसी, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। वाराणसी की जब मैं बात करूं, वाराणसी तो भाई आप लोग पहचानते ही हो गए, है ना, काशी विश्वनाथ का जो एरिया है। और वाराणसी की जब मैं बात करूं तो इसको टेंपल सिटी के नाम से भी हम जानते हैं, टेंपल सिटी। तो अगर कभी कोई पूछे कि विच सिटी इज नॉन एज द टेंपल सिटी, तो आप एटलीस्ट बता सकते हो कि सर वाराणसी इज नॉन एज द टेंपल सिटी ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आपके हम सारे डाउट्स यहां पे क्लियर करते जाएंगे। तो यहां पे देखिए, एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका अप्रूवल हमारे नरेंद्र मोदी, दैट मींस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ने दे दिया है कि आप टेंशन मत लो, एनआरए बन गया है जो सीईटी देखरेख करेगी, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बनाएगी, जिसके अंदर में यहां पे देखो अप्रोक्सीमेटली 1.2 लाख गवर्नमेंट जॉब्स आर एडवर्टाइज एवरी ईयर, फॉर विच 2.5 करोड़ एस्पायरेंट अपीयर इन वेरियस एग्जामिनेशन। अब देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, एसएससी हो, बैंक हो या फिर रेलवे हो, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां पे अगर सब मिलाकर मैं बात करूं सो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा, मतलब एक अप्रोक्सीमेट यहां पे वैल्यू दिया गया, इतने लोग लगभग इस एग्जाम को फेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में क्वेश्चन बनता है कि सर इतने लोग एग्जाम फेस करते हैं, अब इन सभी के लिए मात्र और मात्र एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। अब क्वेश्चन ये बनता है, सर एक ही एग्जाम में क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नो, है ना। तो आप लगे रहिए, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बाकी हम सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट में। अब देखिए यहां पे, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये हुआ आपका। अब देखिए, जो सेकंड स्लाइड जो अभी मैं आपको डिस्प्ले यहां पे करा रहा हूं, डिस्प्ले में देखो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, है ना। ये देखिए, ये जो मैं पीडीएफ जो दिया हूं, ये आपके गवर्नमेंट का पीडीएफ है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की मैं बात करूं, गुड गवर्नेंस थ्रू ट्रांसपेरेंसी, मतलब ओवरऑल की मैं बात करूं, जैसे आपने सुना है कि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में करप्शन आ गया है ना, तो इस करप्शन को खत्म करने के लिए भी एनआरए को लाया गया है ना, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आई है जो सीटी एग्जाम कंडक्ट करेगा। रिड्यूस टाइम टेकन इन सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब क्या है, सिलेक्शन करने में काफी टाइम लग जाता है, कोई भी एग्जाम लेती है, एक एग्जाम लेगा, फिर दूसरे एग्जाम लेगा, फिर तीसरे फेज में जाएगा, तो इसके लिए काफी टाइम लेता है। तो अब ये इतना टाइम नहीं लगेगा, एक एग्जाम कंडक्ट होगा सीटी, उसके बाद रेलिवेंट फील्ड में आप चले जाओगे, जैसे अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स अगर आप भरना चाहते हो, आईबीपीएस देना चाहते हो, तो पहले आपको सीटी क्लियर करना पड़ेगा, फिर आईबीपीएस आपका मेंस लेगी। दैट मींस प्रीलिम्स सभी के लिए एक ही होगा और वो होगा सीटी, और मेंस अलग अलग डिपार्टमेंट वाले लेंगे, जैसे रेलवे वाले मेंस लेंगे,
एसएससी वाले मेंस लेंगे, बैंक वाले मेंस लेंगे, क्लियर है स्टूडेंट। तो आई थिंक सभी को, सभी के डाउट क्लियर होने चाहिए यहाँ पे, जितना भी कुछ मैं आपको शेयर करते जा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मल्टीपल एग्जाम ऑफ मल्टीपल एजेंसीज अपीयरिंग, है ना, यहाँ पे जो अपीयरिंग होगा यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्स होंगे और मल्टीपल एजेंसीज इसमें आएंगे, है ना। चलिए उसके बाद देखो, सीटी टू बी कंडक्टेड एट ओवर 1000 सेंटर, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं पूरे इंडिया में 1000 सेंटर्स बनाए जाएंगे, उससे भी ज्यादा सेंटर बनाए जाएंगे जहां पे ये एग्जाम कंडक्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 107 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अब यहां पे क्वेश्चन में बताता हूं क्या होता है, बहुत सारे जगह हमारे इंडिया में ऐसे यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जहां पे क्या होता है ना, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती और वो कुछ अपने एरिया में एग्जाम देने जा सकती है, लेकिन दूर एरिया में अकेले एग्जाम देने जाने में उनको प्रॉब्लम होता है। तो इस चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया के 117 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक नया सिस्टम लाया, क्या कि मतलब वो वहां पर, मतलब उनके घर के आसपास एक सेंटर बनाया जाएगा जहां पर वो आराम से वहां पर जाकर एग्जाम को दे सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है समझना बच्चों, बेटर एक्सेस टू रूरल, है ना, अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट एंड वुमेन। अभी मैंने जो चीज बताया वही चीज यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि मतलब जो गवर्नमेंट अभी बता रहे, गवर्नमेंट भी यही चीजें बता रही है कि मतलब बेटर एक्सेस दे पाएंगे, किसको दे पाएंगे, जो लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जिनके पास कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, वो भी आराम से इस एग्जाम को अच्छे से फेस कर पाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए, द एनआरए है ना, द एनआरए विल कंडक्ट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी आपको एक चीज समझ में आया कि जो ये सीईटी जो एग्जाम है ये कंडक्ट कौन करेगा, ये कंडक्ट करेगा एनआरए। फॉर रिक्रूटमेंट टू नॉन गजेटेड पोस्ट इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, है ना, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स भी कंडक्ट करेगी साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर बैंक के भी एग्जाम कंडक्ट करेगी। पब्लिक सेक्टर बैंक में कौन कौन आएगा सर, यूनियन बैंक आएंगे, है ना, बैंक ऑफ इंडिया आएगा, है ना, आपके बैंक ऑफ बड़ौदा आएंगे, ये सारे जितने भी बैंक है दे ऑल आर द पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये सभी इसके अंदर में रिक्रूटमेंट होगा। द गवर्नमेंट हैज सैंक्शन, अब इसके लिए भाई कितना सैंक्शन, गवर्नमेंट ने इसके लिए कितना फंड रेज किया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, 1517.57 करोड़ रुपीज, इतने करोड़ रुपीज इसके लिए गवर्नमेंट ने यहां पे सैंक्शन किया है। किसके लिए सैंक्शन किया, इस एजेंसी के लिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। द एक्सपेंडिचर विल बी अंडरटेकन ओवर अ पीरियड फॉर 3 years, मतलब 3 साल में इस एजेंसी को, इस एजेंसी को एक्सपेंड करने में, इस एजेंसी को अलग अलग जगह पे इसको खर्च करने के लिए, इसके लिए 1517.57 करोड़ रुपीज की इसमें कॉस्टिंग आएगी, है ना। तो ये गवर्नमेंट का कहना है और गवर्नमेंट ने इसके पीछे इतने रुपया खर्च किया। अब देखिए इसके साइलेंट फीचर्स, कुछ इसके फीचर्स हैं, जैसे सीटी एग्जाम। अब क्वेश्चन ये बनता है ना कि जैसे आप लोग सुने होंगे एक एग्जाम के बारे में और वो एग्जाम से आपका सीटेट, सीटेट के बारे में आपने सुना होगा कि जब कोई बंदा सीटेट देता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें क्या होता है, जैसे कोई भी बंदा अगर सीटेट देता है, सीटेट में बेसिकली क्या होता है कि उसकी वैलिडिटी होती है कुछ टाइम के लिए, कि मतलब वो आराम से इस साल भी अप्लाई कर सकता है, नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके नेक्स्ट ईयर भी वो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्कूल्स में, है ना। उसी तरह से सीईटी की भी वैलिडिटी यहां पे डाली गई कि अगर कोई भी बंदा सीईटी क्लियर करता है तो उसकी वैलिडिटी 2 years होगी, है ना। अब यहां पे एक और भी पॉइंट है, दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस देयर विल बी डिफरेंट सीईटी फॉर ग्रेजुएट लेवल 12th पास एंड 10th पास। समझिएगा यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं क्या है कि क्वेश्चन ये बनता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब जो आते हैं आपके 10th लेवल पे, है ना। तो आपके मन में क्वेश्चन बनता है कि सर 10th लेवल पे जब कोई गवर्नमेंट जॉब आता है ना, तो सीटी उसको क्या ग्रेजुएट लेवल वाला देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अगर कोई 10th लेवल का आप कोई भी एग्जाम फेल करना चाहते हो, है ना, कोई भी 10th लेवल का आप एग्जाम देना चाहते हो, है ना, रेलवे का हो या फिर एसएससी का मल्टीटास्किंग हो, अगर ऐसा कोई भी एग्जाम आप 10th लेवल पे देना चाहते हो, तो आपको 10th लेवल का ही आपको सीटी क्लियर करना पड़ेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट। अगर आप 12th लेवल पे, जैसे सीएचएसएल एग्जाम, अगर आप 12th लेवल पे आप देना चाहते हो, कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, ड्राइवर्स का निकलता है बहुत सारे एग्जाम्स के, है ना, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि वहां पे आपको 12th लेवल का सीटी पास करना पड़ेगा। अगर कोई ग्रेजुएट लेवल पे आप, अगर आप एग्जाम फिल करना चाहते हो, जैसे आप बैंक पीओ, है ना, आईबीपीएस पीओ की मैं बात करूं, आईबीपीएस कलर की मैं बात करूं, है ना, इसका एसओ की मैं बात करूं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की मैं बात करूं, तो यहां से आपको सीटी क्लियर करना पड़ेगा ग्रेजुएट लेवल का।
आई थिंक आई होप ये सारी न्यूज आपका क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए क्या है, द सिटी विल बी कंडक्टेड इन 12 मेजर लैंग्वेज। अब देखिए ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसके लिए ना हमारे स्टूडेंट ना बहुत ज्यादा मतलब ये खुश हो रहे हैं कि सर ये बहुत अच्छी चीजें हुई। क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली बात जो भी आप गवर्नमेंट जॉब देते हो है ना, एग्जाम फील करते हो लाइक IBPS हो, SSC हो, रेलवे हो, आप इसमें मोड ऑफ क्वेश्चन पेपर देखते हो कौन से लैंग्वेज में होता है, या तो वो इंग्लिश में होता है या फिर वो हिंदी में होता है। लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने डायरेक्टली CET मतलब NRA ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो CET होगा ये टोटल के टोटल 12 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में होंगे, और आगे मैंने पढ़ा था कि ये और भी आगे चलकर बढ़ेगा, अराउंड 22-24 लैंग्वेजेस में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। बट एट प्रेजेंट अभी बोला गया कि 12 मेजर लैंग्वेजेस में, मैं जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारा इसमें कुछ भी नहीं, दिस ऑल इंफॉर्मेशन विच इज कैरिड बाय मी फ्रॉम द PIB है ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के वेबसाइट से मैंने लिया है ना, इसमें हमारा कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी आपको एडिशनल अपना कुछ नहीं बता रहा हूं, ये सभी के सभी मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जो गवर्नमेंट लिखा है वहां पे, जो गवर्नमेंट दिया है बस उस चार्ट को मैं आपके सामने मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर स्टूडेंट? तो अब यहां पे देखिए 12th मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में ये होगा है ना, दैट इज द इंपॉर्टेंट। अब यहां पे इंग्लिश और हिंदी, अगर आपका मन है कि सर इंग्लिश और हिंदी में भी दे सकते हैं कैन टिक है ना, आप ले सकते हो, कैन आप दे सकते हो, लेकिन अगर आपका मन है कि नहीं सर इसके बाद भी अगर हमारा कोई रीजनल लैंग्वेजेस अगर उसमें मिल जाए है ना, हमारा इंडियन लैंग्वेजेस और भी उसमें कुछ मिल जाए, दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो वो यहां पे एड ऑन करने की बात चल रही है। और एड ऑन किया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल 12th मेजर लैंग्वेजेस है ना। अब देखिए To begin with, CET will cover recruitment made by 3 agencies है ना। अब ये starting में ये 3 agencies को इसमें include किया गया है। पहला है आपका SSC, दूसरा आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और तीसरा है IBPS है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए और भी इसके साइलेंट फीचर देखिए, 1000 सेंटर्स, ये ऑलरेडी मैं आपको बताया था अभी कि 1000 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में इसके बनाए जा रहे हैं है ना, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, और जिसमें 107 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा है ना, और वैलिड फॉर 3 इयर्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी वैलिडिटी कितने दिन की रहेगी है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसकी एक और भी चीजें आपको पता होना चाहिए कि ये जो इसकी वैलिडिटी होगी ये 3 इयर्स तक की होगी, CET की जो वैलिडिटी होगी वो 3 इयर्स तक की होगी। और सबसे अच्छी चीजें यहाँ पे ये है कि नो रिस्ट्रिक्शन है CET में, जैसे आप कोई भी एग्जाम देते हो ना तो बोलते हो ना कि हमारा 5 अटेम्प्ट होता है, सर 5 ही अटेम्प्ट आप दे सकते हो, 5 अटेम्प्ट से ज्यादा हम नहीं दे सकते। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि CET में किसी भी तरह का नंबर ऑफ अटेम्प्ट है ही नहीं, नो रिस्ट्रिक्शन है, आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट जितने बार भी मन करे आप उसको दे सकते हो, किसी भी तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगा। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, आप देखिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, जो सॉरी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट गिव्स मोर चॉइस टू गवर्नमेंट सीकर मतलब जॉब सीकर है ना, मतलब जिनको भी नौकरी जॉब चाहिए नौकरी चाहिए है ना, परेशान हो गए सर ये पेंडेमिक के कारण तो और भी लोग परेशान हो गए। तो अभी देखिए ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में आप देखो इस स्लाइड में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये इसके बारे में तो अभी मैंने डिस्कस कर दिया कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो ये कंडक्ट करने वाली एजेंसी वो है आपका NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना। अब यहां पे मैंने ये जो भी चीजें मैंने अभी आपको डिस्कस किया बस यही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि यहां पे 3 टाइप के एग्जाम्स लिया जाएगा, ग्रेजुएट लेवल पे लिया जाएगा, 12 के लेवल पे लिया जाएगा और 10th लेवल पे लिया जाएगा है ना। और Tier 1 जितने भी एग्जाम्स होते हैं कोई भी एग्जाम्स का, जैसे रेलवे की मैं बात करूं, IBPS की मैं बात करूं, SSC की मैं बात करूं, सभी का Tier 1 हो जाएगा आपका CET। सिंपल सा फंडा आप ये समझ लो कि जैसे आप पहले बचपन में आपने एग्जाम दिया होगा 9th क्लास से 10th क्लास में जाने के लिए, आप क्या करते थे है ना, आपको क्या करना पड़ता था कि 9th क्लास में पास करना पड़ता था तभी आप 10th क्लास में जाते थे। बिल्कुल यहां पे बच्चों वही चीज है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है कि अगर आपको रेलवे का एग्जाम में जाना है तो भाई आपको CET क्लियर करना पड़ेगा, अगर आप CET क्लियर करोगे तभी आप रेलवे एग्जाम में बैठ सकते हो, दैट मींस मेंस एग्जाम में डायरेक्टली आपको बैठना है, अब प्रीलिम्स का टेंशन खत्म हो गया, Tier 1 का टेंशन खत्म हो गया, ये सारी चीजें आपका इंपॉर्टेंट बनेगा है ना। चलिए अब यहां पे एक और भी चीज, CET टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट टू Group B एंड Group C पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये बनता है, ये जो आप देख रहे हो Group C Group D, एक सेकंड मैं स्लाइड को मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूं, एक सेकंड स्लाइड थोड़ा सा बैक चला गया, यस हाँ आ गया हमारा। अब देखिए
सीटी टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट टू फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ग्रुप बी और ग्रुप सी का जो पोस्ट होता है बेसिकली उसके लिए ये सीटी एग्जाम हो रहा है ना, ये समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए सीटी जो होगा ये किसके लिए होगा, जॉब सीकर के, जो अभी तक मैंने बताया था वही चीज यहाँ पे मैंने मेंशन किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेस्ड ऑन सीटी स्कोर फाइनली सिलेक्शन टू बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज टीयर टू एंड टीयर थ्री एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप सुन रहे हो कि जैसे टीयर वन है ना, जैसे अगर मैं टीयर वन की मैं बात करूं तो टीयर वन अभी मैंने आपको बता दिया कि टीयर वन बेसिकली है क्या, टीयर वन में आएगा क्या, टीयर वन में सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक एग्जाम्स लिया जाएगा जो लेगा सीईटी। जैसे ही टीयर वन आपका क्लियर होगा तो टीयर टू और टीयर थ्री है ना, मेंस बोलो है ना, तो आप उसमें मेंस बोलो या फिर उसका जो भी नाम दो, तो टीयर टू एंड टीयर थ्री स्पेशलाइज एजेंसी लेगी एग्जाम। स्पेशलाइज्ड एजेंसी का मतलब क्या हुआ, एसएससी वाला अपना लेगा एग्जाम, बैंक वाला अपना एग्जाम लेगा, रेलवे वाले अपने एग्जाम लेंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अब देखिए सीईटी स्कोर ऑफ कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर थ्री ईयर, अभी मैंने बताया सेम वही चीजें बताया, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट, वही चीजें यहां पे है, किसी भी तरह का नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहां पे नहीं है कि मतलब आप दो बार दे सकते हो, पांच बार दे सकते हो, दस बार दे सकते हो, बीस बार, जितना भी मन करे ना आप दे सकते हो। बच्चों यहां पे ना बच्चे लोग ना बहुत ही खुश हो गए कि सर यहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो है ही नहीं है ना, चलो क्या बड़ी बात हो गई है ना, बहुत अच्छी हुई, ऐसा चीज तो हम लोग के टाइम पे था भी नहीं कि हम लोग तो मतलब सोचते थे आप लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई है बच्चों, तो आप इस चीज को बिल्कुल गंवाना नहीं है, है ना, प्रिपरेशन करते रहना, लगे रहना और एज वेल एज हमारे लिंक को शेयर भी करते रहना, सो दैट हम आपको और भी इंफॉर्मेशन इसी तरह से हम आपको आपके तक हम शेयर कर पाए है ना, चाहे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप बिहार से हो, आसाम से हो, नागालैंड से हो, अरुणाचल से हो, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, हमारा टारगेट बस यही बनता है आप तक हम सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहे। आगे देखिए एडवांटेजेस ऑफ अ स्टूडेंट, आखिर वही चीजें जो अभी हम बताना चाह रहे थे आपको कि भाई बच्चों को इसमें क्या एडवांटेजेस है ना, कि सर यहां पे हमारे बच्चे लोगों को क्या एडवांटेजेस मिलेगा इस सीटी से, वही मैं यहां पे लिखा हूं, आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से कि फाइनली एडवांटेजेस हमारे ये कि अब मल्टीपल एग्जाम्स के लिए हमें मतलब हर चीजों के लिए अलग अलग के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा, रिमूव द हैसल ऑफ अपीयरिंग इन मल्टीपल एग्जामिनेशन। दूसरा पॉइंट यहां पे मैंने लिखा है सिंगल एग्जामिनेशन फी, दैट इज द इंपॉर्टेंट, कि आपको रेलवे के लिए अलग से एग्जामिनेशन फी देना है, बैंक के लिए अलग से एग्जामिनेशन फी देना है, एसएससी के लिए अलग से एग्जामिनेशन फी देना है, क्यों देना भाई सर इतने इतने पैसे लग जाते हैं, अभी नहीं लगाना है, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पैसे लगाने हैं और वो सीटी लेगा और वन टाइम लेगा है ना, तो रिड्यूस फाइनेंशियल बजट दैट मल्टीपल एग्जाम इंपोज। समझ में आ गया बच्चों, सिंस एग्जाम विल बी हेल्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इट वुड क्या नाम है सब्सटेंशियली सेफ ट्रेवल एंड लॉजिंग कॉस्ट फॉर द कैंडिडेट्स। ऑफकोर्स अगर आप कोई भी एग्जाम देने के लिए सपोज दैट आप रहने वाले हो दिल्ली के, अगर आपका सेंटर पड़ गया राजस्थान है ना, आपने रेलवे का एग्जाम फिल किया तो आप राजस्थान जाओगे है ना, अगेन एक बार आप मतलब लॉजिंग रहोगे, रहने में खाने में वहां पे खर्च करोगे, फिर आपने एसएससी का एग्जाम दिया और आपकी इस बार सेंटर पड़ गई दिल्ली के, आप रहने वाले हो और आपकी सेंटर पड़ गई गुवाहाटी, तो आप क्या करोगे बताओ, तो आपको वहां से गुवाहाटी आना पड़ेगा, फिर से आप लॉजिंग फूडिंग में खर्च करो है ना, प्लस ट्रैवलिंग में खर्च करो, आपने कल आईबीपीएस का फॉर्म फिल किया, आप रहने वाले हो दिल्ली का और आपका सेंटर पड़ गया अंबाला है ना, दैट मीन्स इन हरियाणा है ना, तो आप क्या करोगे है ना, आपको अगेन फिर वहां पे जाना पड़ेगा है ना, तो आप वहां पे जाओगे फिर आप लॉजिंग फूडिंग में खर्च करोगे है ना, तो भाई आप टेंशन मत लो, आपको आप एक ही एग्जाम पहले देना पड़ेगा है ना, सीटी पहले सीटी क्लियर कर लो, उसके बाद आपके टीयर टू टीयर थ्री होंगे है ना, तो ये चीजें यहां पे बहुत अच्छी हुई है। इनकरेज मोर एंड मोर वुमेन कैंडिडेट ऑल्सो अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स है ना, देखिए अब वुमेन को मैं यहां पे क्यों इंक्लूड किया हूं, इसके पीछे रीजन है कि अगर किसी भी वुमेन का सेंटर उनके अगर घर के पास में पड़ेगा है ना, अभी मैंने बताया था 117 मैंने कितना बताया था, फिर से मैं एक बार रिवाइंड करवा दे रहा हूं, 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया, अगर कोई भी एग्जाम का सेंटर आपके घर के पास हो जाए है ना, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू ना, तो अगर कोई भी वुमेन उनका सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर उनके एरिया में पड़ जाए, दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट है ना स्टूडेंट, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा आपके लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो क्या नाम है, एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन ए सिंगल रजिस्ट्रेशन पोर्टल, मतलब अब आपको हर जगह के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कराना है और वो है सीटी के लिए रजिस्टर कराना है, NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पे ही आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, नो नीड टू वरी अबाउट क्लासिंग फॉर एग्जामिनेशन डेट। मतलब क्या होता है ना, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं ना 8-10 एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं ना, तो हम पता है भूल जाते हैं कि सर आखिर हमारा एग्जाम था 2 दिन के बाद, अरे वो तो डेट वो तो हमने भूल ही गया, एग्जाम से हाथ से ही निकल गया,
तो ये सारी चीजें भी आपकी लैकिंग यहाँ पे अब खत्म हो जाएगा। सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक अवर वीडियो सो प्लीज डू लाइक डू शेयर एज वेल एज कमेंट योर क्वेरीज। किसी भी तरह का आपको डाउट है आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एज वेल एज विजन क्यू आपके लिए हमेशा हर बार नई नई चीजें आपके लिए लेकर आता है। सो थैंक यू स्टूडेंट।